डाउन करेंगे न्यूज हेडलाइन। इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। विरासत में खावतीन को हक ना मिलना अहम मसला है। जिंदगी के तमाम शोबों में खावतीन की शमूलियत के लिए इकदाम किए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का खताब, कहा मखसूस नशस्तों पर खावतीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर है। पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोकने पर ओपोजिशन का पारा हाई। ओपोजिशन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज, स्पीकर पार्टी बन गए हैं। 11 क्यों, 107 अरकान को ही मुअत्तल कर दें। ओपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया, असम्बली में बेहुदा नारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक अहमद खान का टोक टोक पैगाम, एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान, कहा पहले सिर्फ गल्लरबाजी हुआ करती थी, अब गालियां दी जाती हैं। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएं तो इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। बानी पीटीआई की रिहाई से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आजम के मजाकरात की पेशकश पर इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज नहीं। अगर बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा आजम इस्तकाम ऑपरेशन फौज ही की नहीं पूरे मुल्क की जरूरत है। वजीर आजम हदायत जारी करें कि मुस्तकबिल में कोई एजेंसी किसी जज को अप्रोच ना करे। आईजी पंजाब अफसरान को मुदाखलत से रोकने की हदायत जारी करें। एटीसी की सिक्योरिटी के हवाले से हिफाजती इकदाम, मुतालबा जज से मुशावरत के बगैर ना करें। जजेस भी अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए एसओपीज जारी। इंसदाद दहशत गर्दी को 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए ए1 टीवी। ए1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।